एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेक्निकल खालिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सबीट म्यूजिक एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आप फोटो ऐड करके वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहां पर आपको सर्च करना है एक्सबीट। तो हम यहां पर सर्च कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहां पर आपको दिखाई देगा ये एप्लीकेशन एक्सबीट म्यूजिक। आपको इसका लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो हम यहां पर ओपन में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा माय क्रिएशन। आप जो भी स्टेटस क्रिएट कीजिएगा वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट नाउ में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर में आपको कैटेगरी मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी में स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस क्रिएट करने के लिए किसी एक टेम्पलेट में आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर से आपका फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इमेज को क्रॉप कर लेना है इस तरह से। इस तरह से आप इसे फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप में क्लिक कर देना है। के बाद आपको यहाँ पर नीचे में कैटेगरी मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं अपने स्टेटस में आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर से भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इस फ़ोटो को हटा करके आप दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं। म्यूज़िक ऐड करना है तो आपको यहाँ पर म्यूज़िक के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी के म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर से क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है और ये आपका स्टेटस में ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसे बैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जैसा भी इफ़ेक्ट आप अपने स्टेटस में लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से आप थीम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग थीम मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेम मिलेगा, आप यहाँ पर से फ्रेम लगाना चाहते हैं तो फ्रेम लगा सकते हैं। तरह से आप अपने स्टेटस में फ्रेम लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर मिलेगा, स्टिकर लगाना चाहते हैं तो स्टिकर लगा सकते हैं आप यहाँ पर। आप इसे जहाँ पर लगाना चाहते हैं इस तरह से लगा सकते हैं, इसे बड़ा छोटा जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर से कलर मिल जाएगा, यहाँ पर फॉन्ट मिलेगा और यहाँ पर है ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है। फॉन्ट स्टाइल आपको यहां पर मिल जाएगा तो आप यहां पर से फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर डन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर से ओवरले भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस सेव हो चुका है। अब इसे आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पर खुद का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर होम में क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं माई क्रिएशन, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने बनाए स्टेटस को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।